बरनाला दे रहण वाले भारतीय फौज के जवान जगदीप सिंह की कोरोना नाल इलाज दौरान मौत हो गई है। जानकारी मुताबक मृतक का जलंधर विच इलाज चल रहा सी, जिथे उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पर जवान की मौत से उसनू सरकार ताकि प्रशासन वालों भी कोई अधिकारी तक लैंड नहीं आया, जिसनू लैके परिवारक मैंबरां ने रोस प्रगटाया। उन्होंने मृतक जवान की पत्नी लई सरकारी नौकरी की मांग की है। जानकारी मुताबक जगदीप सिंह 2016 च कारगिल दे सियाचिन इलाके च बर्फ च गंभीर रूप च जख्मी हो गया सी। उह 4 सालां तों बीमारी नाल जूझ रिहा सी। अज उसने इस संसार नूं अलविदा कह दिता। बेहद शर्मनाक गल है कि जवान दे अंतिम संस्कार दे मौके ते ना तां जिला प्रशासन दा कोई अधिकारी मौजूद सी अते ना ही उसनूं सलामी दित्ती गई। इस मौके सिर्फ जगदीप दी रेजिमेंट दे जवानां ने मृतक नूं श्रद्धांजलि दित्ती। जिला प्रशासन अते सरकार वल्लों कीते गए अजिहे वतीरे ते फौजी जवान दे परिवार अते रिश्तेदारां ने प्रशासन ते सरकार खिलाफ रोस प्रगटाया। मृतक फौजी जवान दे पिता रिटायर्ड फौजी नछत्तर सिंह ने सरकार अते भारतीय फौज ते उसदे बेटे दा सही इलाज ना करवाण दा दोष लगाया। मृतक जवान दो छोटियां धीआं दा पिता सी। परिवार ने मांग की है कि मृतक दी पत्नी नूं सरकारी नौकरी दित्ती जावे। 260 इंजीनियर दे विच मेरा बेटा भी जगदीप सिंह सीगा। उस तो बाद 203 बीड़ी कंपनी विच इहनूं पोस्टिंग कीता गया। उत्थे इह बर्फ दे विच जीयर 9 जीएस दे नाल इह अटैच सी। अटैच होण तों बाद इत्थे बर्फ दा क्लॉट बर्फ दे अवलांच आया। बर्फ अवलांच होण तों बाद इहदे लंग्स दब्बे गए, लत्तां दब्बियां गईआं। उहनां ने पौणे घंटे बाद इहनूं कढ्या जीयर वाले ने। कुदरती उह फोन दी रेंज सी, उह फोन दी रेंज दे नाल पहली गल तो उत्थे पाकिस्तान बॉर्डर लाइन ते रेंज नहीं आउंदी। जे रेंज आई तां कुदरत बनियों मालक ने चाहिया ते रेंज आ गई। इहनूं इहने फोन करके दस्सिया मैनूं आ के कढो। उन्होंने दरवाजा तोड़िया, बेल चिन्ह बर्फ हटाई है। बेल चिन्ह बर्फ हटाने तो बाद इहनूं पौने घंटे बाद कढ़िया। उस तो बाद मेरे बेटे नूं लंग्स की प्रॉब्लम और लत्तां की प्रॉब्लम जिहड़ी है, लत्तां दे क्लॉट टूण जो डायग्नोस आउंदी है, DBT कहिंदे उहनूं, DBT की प्रॉब्लम आई। उह क्लॉट हार्ट नूं चढ़े, हार्ट नूं क्लॉट चढ़न तो बाद दे विच लंग्स उहदे बिल्कुल श्रंक हो गए सी। इस करके वो उसकी मौत हुई है। जो कि सब तो पहला फर्स्टली जम्मू कमांड हॉस्पिटल वाले ने लत्तां नूं सोज आई जो देखी है, उन्होंने 1 महीना रखे हुआ। 1 महीना रखने तो बाद कमांड हॉस्पिटल भेजता उन्होंने, कमांड हॉस्पिटल उधमपुर वाले ने महीना रखिया, उन्होंने भेजता छुट्टी। छुट्टी भेजने तो बाद छुट्टी के दौरान ही वो बीमार हो गया, फिर दोबारा वो ही लंग्स की प्रॉब्लम आ गई। सत श्री अकाल जी। अज असी उस परिवार दे नाल बैठे हैं, शमशान घर दे विच फुल चुगनाए सीगे, कल संस्कार करिया सी। ए सरदार नछत्तर सिंह जी ने, साबका फौजी ने, इन्हां दा बेटे दी जिहड़ी डैथ होई है ओह शुरुआत तां होई सीगी ओह बर्फ दे विच डिगे सीगे, विस्तार दे नाल दसणगे। उत्थों उन्हां दी लंग्स भी दबियां गईयां। वाहिगुरू दी कृपा नाल कोई सिग्नल कोई उन्हां कोल आ गया कि उन्हां ने बर्फ दे विच उहदे दब्बे सीगे, कॉल करके दसता कि मैं इत्थे बर्फ विच दबे गया। चलो थोड़ी उम्र होर लिखी सीगी, पर उस तों बाद उन्हां नूं रेगुलर जिहड़ी प्रॉब्लम्स आउणियां शुरू हो गईयां सीगियां। उन्हां दीआं लैग्स दे विच क्लॉट बनने शुरू हो गए सीगे, जिहड़े हौली हौली हुंदे हुंदे हार्ट तक पहुंच गए। और इन्हां दा सहुरा परिवार भी जिहड़ा बेटे दा है ना समर्पित है, देश नूं समर्पित है। नानके जिहड़े नाना जी सी ओह भी फौज रहे ने। सो मेरे कहण तों भाव आ कि जिथे अज अपनी एक सोच है कि साडा बच्चा पढ़ के आईलेट्स करके बाहरले मुल्क जावे, छोटे तों छोटे मुल्क इत्थों निकल जाए, पर जे आपां सारे ईवन पॉलिटिशियन्स असीं सारे खड़े हैं, जे कोई सुख दी नींद सौने हैं तो तां कि सरहद ते साडे फौजी भरा खड़े ने। सो इह परिवार नूं जिहड़ी इक दुखदायक घटना ओह इह है कि ना तां ट्रीटमेंट उहनां दा प्रॉपर होया। जे फौज चाहुंदी तां उहनां कोल इन्नियां वधिया मैडिकल फैसिलिटीज हुंदियां, उहनां दा इलाज प्रॉपर हो सकदा सीगा। नंबर 2 इदों भी मंदभागा इह होया कि उहनां नूं कोविड-19 च करके खेड़ा छुड़ा लिया।